जबरदस्त तरीके की मोटाई ले रहा गन्ना, देख सकते हो। और ऊपर तक ये ऐसे ही अपना खिल के चल रहा पूरा। नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्जुन अहलावत में। भाइयों, एक या नई वैरायटी बोई थी अब हमने, और जिसे ये कह दें कि बिना खर्चे की वैरायटी, मतलब इसमें कुछ करा ही नहीं ना, तो इसमें कोई एक भी स्प्रे है भाइयों, और नीचे भी इसमें यूरिया यूरिया लगाया था बस, ना हमने इसमें डाई लगाई, ना NPK लगाया, ना कोई दवाई लगाई, और ना अब तक इसमें कोई यूरिया के अलावा कुछ लगा। ये हमने ऐसा कोई 1 बीघा के आसपास बो रखी है वैरायटी, लेकिन भाइयों इसका हमें भी नहीं पता है कौन सी वैरायटी है। आप देख सकते हैं ये निरोगी वैरायटी है, और या नीचे से ऊपर तक ही बैंगनी टाइप चलती, मैं दिखा दूँ आपको, फिर तो मैं दसन हो रही या इस तरीके से भाइयों, या ऊपर तक ऐसे ही चल रही, देख सकते हैं भाइयों। और भाइयों इसमें टील रिंग बहुत है, एक का गुस्से कितने कितने वे हैं, देख सकते हैं सारा ऐसा ही खड़ा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यह चल रही। और भाइयों इसमें कोई भी खर्च नहीं है ज़्यादा, बस एक बार डाल दो, डालने के बाद इसमें कोई खर्च है नहीं भाइयों, देख सकते हैं आप। लेकिन भाइयों बात यह है कि जिससे हमने लिया था, लाए थे ये, एक रिश्तेदार थे उनसे लिया, नाम का उन्हें भी नहीं पता था, और नाम का आज तक हमें भी पता नहीं चला भाइयों। और कहीं जैसे गोष्ठी होती है उसमें लेके भी गए इसे एक दो जगह, वहाँ भाई इसका कोई बता दे, लेकिन नाम का उन्हें भी नहीं पता, वे भी कहें जी कि भाई इसका ही वैरायटी का नहीं पता। और आप देख सकते इस तरीके से काफ़ी मजबूत गन्ना, और ये भी बहुत मजबूत है, इसकी जो पत्ते हैं काफ़ी मजबूत है, और इसमें कांट भी नहीं है भाइयों, बिल्कुल निरोगी चल रही। और यूरिया यूरिया खर्च है भाइयों इसमें, बस बोने का और यूरिया खर्च, उससे बाद में इसमें कोई खर्च नहीं आता। तो अगर किसान भाई ने किसी ने लगाई हो पहले या वैरायटी, तो इसका नाम जरूर कमेंट के माध्यम से बतावें, देख सकते भाइयों। और इससे मन बड़ा खुश है कि जिसमें कोई वैरायटी में खर्चा नहीं आता, वो वैरायटी अपना बोले तो आगे अपना इसकी रिकवरी भी चेक करवाएंगे भाइयों मील के माध्यम से। और आप देख सकते हैं ये चलती है ऐसे ही भाइयों, झुंड टाइप में चलती, और नीचे से ऊपर तक बैंगनी चलती भाइयों, और मजबूत भी है, काफ़ी मजबूत है। और इसकी पिछले साल जो हमने थोड़ा सा बोया था, इसकी ऊंचाई कम से कम 15-16 फीट थी भाइयों, तो तभी ने बंधवाना है जरूर पड़े, चाहे ट्रंच में बोलो, चाहे रिंग फिट में बोलो, कोई सी विधि में बोलो, लेकिन बंधवाना है जरूर पड़ेगा, देख सकते हैं भाइयों। अभी इस पर मिट्टी चढ़ी है, जुनाल की बुआई है भाइयों हमारी, मतलब गेहूँ के बाद में बोया था ये, और ये 1 बीघा के आसपास हमने लगा रखी वैरायटी। तो किसी भाई को अगर इसका वैरायटी का नाम पता हो तो कमेंट के माध्यम से वो भाई इसका नाम जरूर बता मैं, और कहाँ की ये बनी हुई है वो भी बता मैं, क्योंकि जिससे हम लाए थे उसे भी नहीं पता था भाइयों इस वैरायटी का नाम, लेकिन वो भी खुश था काफ़ी, और ये बता रहा था वो कि इसमें चीनी की मात्रा बहुत है, वो देख सकते हैं भाइयों। एक बार बाहर से और दिखा दूंगा आपको, देखो किसान को अगर ऐसी वैरायटी मिल जाए तो बल्ले बल्ले हैं, जिसमें कोई खर्च ना हो, चाहे वो 5-7 क्विंटल कम निकल जाए, लेकिन वजन इसमें काफ़ी है भाइयों। और इसकी अब जा आपको एक, जहाँ से हमने एक ही गड्ढा बोया था उससे ही ये इतना तैयार हो गया था, ये 1 बीघे के आसपास हमारा बो गया था ट्रंच में, वो और दिखाता हूँ कि पेड्डी कैसी चल रही बने रही है किसान भाइयों। देख सकते हैं भाइयों, ये हमने रिंग पिट में पिछले साल ये गड्ढा सा लगा दिया था, एक ही गन्ने से ये इतने बन गए, और ये पेड्डी का क्या पेड्डी है इसकी, मतलब गेहूँ के बाद कटाई करके इसकी वो बुआई कर दी थी,
और देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से पेडी का भी झुंड बन के आ रहा, और मोटाई भी गन्ने की काफी है, देख सकते हैं जबरदस्त तरीके की मोटाई ले रहा गन्ना, देख सकते हैं। और ऊपर तक ये ऐसे ही अपना खिल के चल रहा पूरा। किसी भाई को इसका वैरायटी का नाम पता हो तो जरूर बताइए इस वैरायटी का नाम, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना ये चल रहा। और पत्तों समेत 11-12 फीट तो इसकी हाइट हो रही फिलहाल, देख सकते भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा। धन्यवाद भाइयों।